गुड मॉर्निंग गाइस, मैं दया सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब पैथोलॉजी यूनाइटेड चैनल में। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की। आज मैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका हमारी बॉडी में क्या महत्व होता है, इनका इम्बेलेंस यानी इनका असंतुलन बिगड़ने से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और गाइस साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये किन कारणों से इम्बेलेंस होता है, किन कारणों से हमारी बॉडी में इसका असंतुलन बिगड़ जाता है। और एक एक करके मैं आपको तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। तो गाइस, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, और ये खनिज जो है इनमें बिजली का संचार होता है। जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल होती है उसका संचार इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है। जो सोचने और देखने जैसी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको आवश्यक बिजली के आवेगों को उत्पन्न करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो गैस, अब बात करते हैं कि इनकी कारण क्या होते हैं इम्बैलेंस होने के, यानी ये किस वजह से ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, असंतुलन इनका बिगड़ जाता है। तो गैस, इसके असंतुलन बिगड़ने का कई कारण हो सकते हैं, जैसे डायरिया से लेके कई जानलेवा कारण हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी की कमी, डिहाइड्रेशन, कई बार हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी इनका असंतुलन जो है बिगड़ जाता है, या कोई आप नशीली दवाई लेते हैं उससे भी इनका असंतुलन बिगड़ जाता है, या फिर हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं में या कोई सर्जरी के केसेस में इनका असंतुलन बिगड़ जाता है, और प्रेगनेंसी के केसेस में भी अक्सर इनका इनका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो गैस, अब बात करते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं जब इनका असंतुलन बिगड़ता है, तो क्या सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो गैस, इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता क्या है, ये हमारी हार्ट बीट है वो अबनॉर्मल हो जाती है, थकान होने लगती है, हाथ पैर सुन पड़ने लगते हैं, पेट की कई सारी समस्याएं हो जाती है जैसे डायरिया, कब्ज और लूज मोशन वगैरह, ये समस्या होने लगती है, पेट में ऐठन होने लग जाती है, हाथों पैरों में झंझनाहट सी मचने लगती है, और बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है, चिड़चिड़ाहट सी महसूस होने लगती है और चक्कर आने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स इसके इम्बेलेंस से हमारी बॉडी में दिखने लगते हैं। तो अब गैस बात करते हैं सबसे पहले सोडियम की। तो सोडियम जो है गैस, जिसको हम सिंपल भाषा में नमक बोलते हैं, इसकी जो हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू होती है वो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ ब्लड होती है। गैस, जब ये लो हो जाता है तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी समस्या हो जाती हैं, जिसको हाइपोनैट्रेमिया बोलते हैं इसके लो होने को। और होता क्या है, जब सोडियम लो हो जाता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और जो ब्रेन की नसें होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें स्वेलिंग आने लगती है और हेडेक होने लगता है, जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, और धीरे धीरे जो पेशेंट है वो होश खोने लगता है। तो ये सारी समस्याएं इसके लो होने से होने लगती हैं। तो कैसे बात करते हैं कि इसके बढ़ने से क्या प्रॉब्लम होती है। इसके बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी चिड़चिड़ाहट सी महसूस होना, डिप्रेशन में आ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक होना, ये सारी समस्याएँ इसके बढ़ने से भी होने लगती हैं। तो अब बात करते हैं पोटेशियम की। तो गैस, जो पोटेशियम है तो पोटेशियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ ब्लड होती है। जब पोटेशियम लो होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। गैस, इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त की प्रॉब्लम तो होती है, साथ साथ में क्या होता है, इसमें जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जब पोटेशियम लो होता है तो हमारी जो वेंस में ब्लड सर्कुलेशन है उस पर दबाव पड़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर से हमारे हार्ट फेलियर का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके हाई होने से। तो गाइस, इसका हाई होना भी उतना ही खतरनाक है जितना इसका लो होना खतरनाक है। जिसका हाई होना बहुत ज़्यादा
खतरनाक है, क्योंकि इससे भी जो है हार्ट फेल होने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये क्या है, ये हमारे जो हृदय की मांसपेशी हैं उनका संकुचन जो है बंद कर देता है हाई होने पे, और जिससे हार्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं क्लोराइड की। तो क्लोराइड हमारी बॉडी 97 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ ब्लड होता है गैस। जब ये लो होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके हाई होने पे भी। बेसिकली इसका काम क्या होता है क्लोराइड का, क्लोराइड जो है हमारी बॉडी का पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है, जैसे जो एसिडिक और बेसिक्स होते हैं उनको मेंटेन करता है, अम्लीय और क्षारी को ये मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ क्या होता है गैस, जब हमारा जो फूड है वो द्रव्य में परिवर्तन होता है तो ये हमारी इंटेस्टाइन में जाके और उसका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है, और साथ ही साथ ये लीवर की क्लीनिंग भी करता है और जो लीवर की जो गंध है उसको बाहर निकाल देता है। इसके बढ़ने से हमारे बॉडी में जो लिक्विड है उसकी कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है इसके बढ़ने से, और बहुत सारी समस्या आ जाती है, क्योंकि ये जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक इम्बैलेंस करता है तो दूसरे के भी चांसेस रहते हैं इम्बैलेंस होने के। जब आपका पोटेशियम लो होता है तो आपका सोडियम ऑटोमेटिक हाई हो जाता है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट होता है, जो अप्रोक्स 300 का टेस्ट है। और इसमें क्या होता है, ये आपका अगर आप किडनी पैनल कराते हैं तो उसमें भी आपका ये कवर हो जाता है। तो अगर आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे तो उसमें आपके सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड तीनों कवर हो जाते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स में इसके बारे में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इस उपचार के बारे में भी मिल जाएगा। तो गैस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, लव यू गैस।